हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा किचन। आज मैं आपको स्प्रिंग अनियन की सब्जी बना के बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन लिए हैं। ये देखिए, ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर वाला लीव्स है। इसे मैंने अलग अलग कट करके रख लिया है वॉश करके। और ये देखिए बॉइल्ड पोटैटो है, यहाँ पर 2 पोटैटो मैंने लिया है और इसे कट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टोमेटो लिया है, 2 टोमेटो, जिसे छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाला, यहाँ पर मैंने टर्मरिक पाउडर, मीट मसाला 1/2 स्पून लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं ये मिक्स मसाला ले रही हूँ, जिसमें कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर दोनों है। और यहाँ पर मैं ये इसे 1/2 स्पून ले रही हूँ, इसे भी मिक्स कर दूँगी। और इसमें रेड चिली पाउडर भी डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 to 5 पिंच ये रेड चिली पाउडर है, इसे भी मिक्स कर देना है। और इसमें वाटर डाल के इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, 4 स्पून है। और देखिए यहाँ पर, देखिए 2 ग्रीन चिलीज डालना है इसमें, तोड़ करके मैंने ले लिया है। और देखिए यहाँ पर क्यूमिन सीड्स है 1/2 टेबल स्पून। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 to 4 पिंच ये मस्टर्ड सीड्स है। और देखिए यहाँ पर 2 पिंच मेथी दाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 पिंच मैं हींग लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर खड़े मसाले चटक गए हैं। अब यहाँ पर मैं ये अनियन डाल दूँगी नीचे वाला पार्ट, और इसे भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी और रेड चिली पाउडर लिया है, और इसे इसमें मिक्स कर देना है और इसे भूनना है। इससे कलर अच्छा आता है सब्जी पर, और इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 मिनट्स इसको पका लिया है। देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर टोमेटो डाल देंगे, जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है। इसे भी सॉफ्ट करके पकाना है, जब तक सॉफ्ट ना हो तब तक इसे पकाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोमेटो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम मसाला मिक्स कर देंगे। ये देखिए, जो भिगो कर मैंने रखा था इसे इसमें डाल लेना है। और इसे, और यहाँ पर मैंने 4 मिनट्स टोमेटो पकाया है। और देखिए मसाला यहाँ पर 2 से 3 मिनट्स पकाना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऑयल छोड़ रहा है ये मसाला। तो अब इसमें हम पोटैटो मिक्स कर देंगे। और इसे 1 मिनट पकाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 1 मिनट पक गया है। अब इसमें ये जो मैंने ग्रीन पार्ट रखा है इसका, वो मिक्स कर दूंगी। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें सॉल्ट लेना है अपने टेस्ट के अनुसार। यहाँ पर देखिए मैं लगभग 1 स्पून के आसपास यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। और इसे देखिए मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसे अभी थोड़ा 2 मिनट्स इसको ऐसे ही पकाना है, फिर इसमें वाटर डालना है। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट पहले पका लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सॉफ्ट हो गया है। इसमें देखिए 1 कटोरी मैंने पानी लिया है, और देखिए यहाँ पर 1 कटोरी पानी इसमें डाल देना है। और इसे ढक कर पकाना है, और बीच बीच में चेक करते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ढक के और इसको पकाऊंगी, और बीच बीच में चेक करते रहूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चेक करके पकाया है। यहाँ पर देखिए ये 5 मिनट्स मैंने पकाया है, और यहाँ पर ये पक गया है।
यहाँ पर बीच में मैं चेक करते करते यहाँ पर मैं पकाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 स्पून गरम मसाला है, इसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिक्स हो गया और गैस को ऑफ कर देना है, इंडक्शन को ऑफ करके और इसे ढक देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ढक दिया है और 2 मिनट्स इसको छोड़ देना है और उसके बाद इसे सर्व करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया। देखिए, देख के बहुत ही यम्मी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं और देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।